हाथों का काफला। अस्सलाम वालेकुम, आज हम हब डैम को एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह। हब डैम जाने का प्रोग्राम बनाया है तो इंशाल्लाह सुपर हाईवे से मुकम्मल रास्ता कवर करेंगे और कुछ बेहतरीन व्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, अगर आप सामने की तरफ से आ रहे हो तो हैदराबाद से आप आ रहे हैं, इसका मतलब है टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे और ये गाड़ियाँ जहाँ से निकल के आ रही हैं ये मलिर की तरफ से आ रहा है रास्ता। मलिर हॉट से सीधा सीधा कैंटोनमेंट से अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो ऐसे आएंगे और सामने से आ रहे हैं तो आप हैदराबाद से आएंगे, और अगर हम इस तरफ चले जाएं तो हम सीधा जाएंगे जनाब नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए M10 उसको कहते हैं, होते हुए सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है अभी हम इस पर जाएंगे, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। इससे होते हुए दाएं तरफ निकल जाएंगे नॉर्दर्न बाईपास और तेसर टाउन से होते हुए हब डैम की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम तकरीबन इंशाल्लाह 1 से 1.25 घंटे में हब डैम पहुँच जाएंगे और गूगल मैप पे आपको ये रूट भी मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। और अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो आप टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ब्रिज और सेकंड ब्रिज से आप दाएं मुड़ जाएंगे। तो जनाब हम चल पड़े हैं मलिर हॉल्ट की तरफ से आते हुए। हम ये रोड सुपर हाईवे को जो कनेक्ट करती है उस पर आ गए हैं और ये आप देख रहे हैं सामने साइन बोर्ड कराची सीधा क्वेटा गवादर जो है, आप सामने वाले ब्रिज पे चढ़ के नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए हमने आज जाना है इंशाल्लाह हब डैम। क्वेटा गवादर हब, तो हम हब किधर जा रहे हैं जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है। तो ये रास्ता हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे जनाब, जैसे कि अपनी आदत है कोशिश करते हैं कट कट करके इसको पूरा रास्ता आपको दिखाएं ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने में आसानी। इस रास्ते से आप हमदर्द यूनिवर्सिटी और गडानी जा सकते हैं और गडानी यहाँ से 58 किलोमीटर दूर है। तो ये रोड भी सिंगल रोड है और बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको मैंने लिंक रोड दिखाई थी जो कनेक्ट करती है काठोर से गोशन हदीद। तो इस पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये हम टोल पे पहुँच गए हैं, टोल देते हैं आगे निकलते हैं। तो ये नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा पर आने वाले हर गाड़ी को टोल टैक्स देना लाजमी है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये मैंने क्रॉस बड़े नॉर्मल तरीके से किया है लेकिन लगेगा ऐसे जैसे मैंने भाई उस पर भांडी मारी है, बहुत जगह थी लिहाजा आप लोग डरना नहीं भाई। ये एक ख़ास सवारी जा रही है मेरे पास, मेरे सामने हमेशा ऐसी ऐसी ज़बरदस्त सवारियाँ आ जाती हैं, ख़ास किस्म की सवारियाँ। ये देखिए आप सवारी, खूबसूरत भी है जनाब ये। ये हमारा रूट है, इस रोड पे हम जा रहे हैं सुपर हाईवे से हब डैम की तरफ। तेसर टाउन के नज़दीक हम पहुंच गए और यहाँ से हम दाएं जाने मुड़ जाएंगे। जनाब हम दाएं मुड़ चलते हैं, बाइक वाले अंकल थोड़ा सा वेट कर। तो जी बिल्कुल यहाँ से ये ब्रिज है, इस ब्रिज से पहले ये देखिए हैवी ट्रैफिक सीधा निकल रहा है, इस ब्रिज से पहले आपने इस रोड पर मुड़ जाना है। गौहर विलास का बोर्ड शोर लगा हुआ है और यहाँ पे आपको ऊंट भी नजर आएंगे, आइए देखिए आप। हो जाते हैं, आवाज निकाल लेना, अच्छा सीन बन गया। ये देखिए आप जी गौहर विलास बन रहे हैं, ये देखिए लुकिंग ऑफिस है इनका,
यहाँ से ये थोड़ा सा आगे जाके सिंगल हुए थे, यहाँ तक डबल बनी हुई थी। किराए से निजात बेंगलोर 59 लाख में तैयार। अच्छा भाई और यहाँ एहतियात करनी है थोड़ी सी। जी कुछ रोड का काम जारी है, मजदूर बरादर लगी है जनाब अपना काम करने पे। ये ना हो तो कुछ भी ना हो भाई, ना सड़कें हों ना घर हो ना। वो देखिए पानी डालता चला जा रहा है, जानबूझ के डाल रहा है या गिर रहा है उसका पानी। बिल्कुल सिंगल रोड हो गई है, छोटी हो गई है, इस पर ट्रक भी चल रहे हैं, लिहाजा आपने एहतियात करनी है इस रोड पे। मेरी तरह वीडियो नहीं बनाने लग जाना सब। बशन आयशा यहाँ पर दर्द लगे हुए, तैयारी सड़कें इधर बन गई हैं, तो इस रोड पे आपको दिखाते जाते हैं कुछ। अप्रूव्ड बाय MDA SPCA। ये देखें आप, ये मेरे आगे एक और मोटरसाइकिल सामान लाद के लेके जा रही है। रोड बस ठीक ही है, किसी किसी जगह पे हैं कुछ पैचेस लगने वाले, लेकिन कौन लगाएगा। हाँ ये देखो मोटरसाइकिल वाले की हरकतें देखें आप। मेरा प्रोग्राम तो ये था कि मैं हब डैम रोड से जाता सीधा थोड़ा सा और आगे केसर टाउन से, लेकिन थोड़ा सा बाय मिस्टेक हम इस रोड से आ गए हैं, लेकिन ये आगे जाके हब डैम रोड को ही कनेक्ट करेगी। और वापसी में हम आपको हब डैम रोड भी दिखा देंगे और वहाँ से निकलेंगे सीधा सीधा सुपर हाईवे पे। साइड में हो जा मेरे भाई, और साइड में हो जा, हरकतें करते हैं ये लोग जानबूझ के, है डरने वाले हम भी नहीं। तो हमने जाना था इस येलो लाइन से सेंटर में जो नज़र आ रही है, और हम इससे थोड़ा सा पहले 63 टाउन से इधर कट लिए और यहाँ से घूमते हुए वापस ये वाइट हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ कनेक्ट करेगा, तो यहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे घूमते ऊपर से, और वापसी में हम इस वाइट लाइन से येलो लाइन कनेक्ट करते हुए और हब रोड पर आ जाएंगे। तो ये चलिए आपको थोड़ा सा दिखा दिए, हम थोड़ा सा भटक गए लेकिन कोई मसला नहीं है, ये भी एक रास्ता जा रहा है और इतना बुरा भी नहीं है। तो अगर कोई उधर से आ रहा है तो ये भी थोड़ा सा इस रास्ते पर पता होना चाहिए बंदे को। ये रोड जिस तरफ मुड़ती चली जाएगी आपने इस रोड पे रहना है और घूमते चले जाना है। ये रोड पे आप पुलिया है, ये पुलिया है जनाब, आप ये पुलिया क्रॉस करके सीधा ही निकल लेना सीधा। आपने यहाँ से सीधा नहीं जाना बल्कि लेफ्ट मुड़ जाना है, घूम जाना है आपने यहाँ से सीधा कहीं और नहीं, वो तो बहुत खतरनाक रोड लग रही है। ये भी वीरानी है, कल बेहतर ये होगा कि आप हब डैम रोड को पकड़ लें और वहाँ से आ जाएं। वापसी में उसको देखते हैं कि उसका क्या हाल है। वाह जी वाह, मोटरसाइकिल पे क्या चीज़ ला दी, ये देखें आप कमाल। बेचारे ना हादसाते ज़माना का शिकार हो गई है, सब कुछ मिट मिटा गया इसके ऊपर। ये कोई पिंड है इधर गाँव, इधर जाना है। ये आ रही है हब डैम रोड, ये रोड है ये। ये यहाँ से होते होते इस किनारे पे पहुँच गए, अब हमने गाड़ी को मोड़ के जाना है राइट साइड पे जाना है ऊपर की तरफ। ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, जो आपको नज़र आ रही है
हमने आना था असल में इस तरफ से, हम आगे खीरतर रोड है मेरे ख्याल में, खीरतर रोड से हम लोग। तो गाड़ी को ज़रा मोड़ते हैं, घुमाते हैं और वापसी में इस तरफ ही जाएंगे। ये रोड आपको दिखा देंगे, हब डैम रोड। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो भाई यहाँ से थोड़ा सा ये कच्चा है, उसके बाद रोड दोबारा से ही शुरू हो जाएगी। तो चंगा भला घूम के आ गए हम लोग। चलते रहना जी। इतवार है और ये लोग इधर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे भाई कराची वालों? अच्छे अच्छे सीन हैं, वीरानों बयाबान रोड पे चलता चला जा रहा हूँ मैं। भाई दूसरा मिसरा आप खुद ही बना लीजिएगा, मैंने कोशिश की थी एक शेर बनाने की लेकिन वो बस आगे नहीं समझ में आया। तो दूसरा मिसरा इसका जो है ना शेर का, आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं भाई जिसको जो समझ में आए। ये एक होटल है, यहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी है ये वाली, तो ये एक अच्छा छोटा सा स्टॉप बन सकता है। भाई चाय वाय पीनी है आप लोगों ने या वापसी पे पी लेते हैं? वापसी पे करते हैं कुछ जनाब, यहाँ पे कुछ चाय वाय पीते हैं, उसकी वीडियो बना लेंगे। ये हमारे साथ दो दोस्त मौजूद हैं, सैफुल्ला भाई हमारे और मुर्तजा भाई हमारे ही हैं। तो आगे चलते हैं जनाब। ये देखिए ये रोड आ गई है, बेहतरीन व्यू आ गया है थोड़ा सा। ये वादी के अंदर उतरने लगे हैं हम। हाँ डैम ऐसी ही किसी जगह पे हो सकता है, देख रहे हैं आप। तो ये एक अलग से व्यू है, तो यहाँ पे उतर के एक छोटा सा व्यू लेता हूँ मैं, सब्र कीजिएगा। हाँ इसमें वो ज़रा खुश्क किस्म के पहाड़ हैं। सिग्नल काम नहीं करते? हाँ सिग्नल अच्छा है ना, ना कोई कॉल आएगी ना सुनोगे। नहीं करते नहीं सर वो। तो ये रोड थोड़ी सी जनाब खतरनाक हो गई है, आप देखें लैंडस्लाइडिंग होती है। तो ये रोड थोड़ी हब डैम की तरफ जाते हुए, हब रिवर रोड जो भी है या हब डैम रोड, ये थोड़ी डेंजरस हो गई है, तो यहाँ पे ज़रा एहतियात करनी पड़ रही है मुझे। गाड़ी खुद ब खुद नीचे आ रही है पानी की वजह से। ये देखिए बिल्कुल वादी के अंदर से गुजर रहे हैं। ये मनाजिर भी देख लें आप और ये भी देख लें, और ये पहाड़ खासा ऊंचा है और नीचे से जा रहे हैं तो बेहतरीन व्यूज हैं, लेकिन सड़क जो है ना बस आहुई है। ये भी रोड टूट गई होगी किस जमाने में, तो ये फिर बह गई होगी जनाब, पानी बहुत है ना यहाँ पे। तो फिर ये बाईपास दिया हुआ कच्चा सा और फिर ये रोड बना दी गई है दोबारा से।
थोड़ा सा डेरा। गाँव आया जनाब सामने, सामने हाफ डैम नजर आ गया जनाब। मुबारक हो, बहुत बड़ा डैम है जी। हम पहुंच गए हैं हाफ डैम के नज़दीक, तो यहाँ से एक व्यू लेते हैं इसका जरा नज़दीक करके। ये देखिए, ये है हाफ डैम, और इसके साथ साथ जाते हैं जहाँ तक जा सकते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हब डैम सामने नज़र आना शुरू हो गया, पानी पानी नीचे। तो चलते हैं जनाब इसके नज़दीक, इसी रोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। यानी इसका मतलब यह है कि हम बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पहुँच गए हैं। सामने हब डैम और हम कच्ची पक्की सड़क के ऊपर जा रहे हैं, तो भाई देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। उफ, 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 उफ। अब ये हब डैम कौन सा रास्ता जा रहा होगा? ये जा रहा है, ये है? ये पक्का देख लें, राइट राइट ही जाना, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं जनाब, आपने राइट नहीं जाना। यानी स्काय की तरफ ये जो घर बने हुए हैं, इस तरफ आपने नहीं जाना, आपने इधर से इधर आ जाना है, इधर आ जाना है जनाब, जहाँ से मैं कट के आया हूँ तो आपने भी कट के इधर ही आ जाना है। ये आपको सीधा हब डैम के अंदर ले जाइए। डैम पे पहुंच के आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ, वहाँ ज़रा उतर के खड़े होकर सांस वांस ले के ना आराम से आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ डिटेल्स। बिल्कुल सेंटर में चलती आ रही है जनाब, मैं क्या करूँ। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, वो कोई लिफ्ट नहीं भाई। हम हब डैम के बिल्कुल सामने पहुंच गए, बड़ी बल खाती रोड थी भाई, इसने तो जनाब मेरे पेट में बल डाल दिए, अल्लाह ही मालिक है। ऊपर तो जा नहीं सकते हम, तो उतर के देखते हैं यहाँ कहीं वीडियो शीडियो बनाते हैं, पहले खड़े होते हैं और आपको हब डैम के बारे में डिटेल बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये हब डैम, हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ से सामने से आइए मज़ीद तक नीचे चलते हैं और नीचे से आपको चलते दिखाते हैं ज़रा दूसरे व्यूज़ पर, नहर वहर आगे चलते हैं। हम यहाँ से होते हुए इस जगह से नीचे जा रहे हैं, इस तरफ नीचे जाते हैं और नीचे आगे कोई नहर वहर है उसको भी देखते हैं, जहाँ लोग खासे आके नहाते हैं, तो उधर चल के उसको भी ज़रा एक्सप्लोर करके आते हैं। हब डैम दरियाए हब पर मौजूद है, ये डैम कराची से तकरीबन 56 किलोमीटर दूर सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ है, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया, ये इस बाउंड्री के पीछे पूरा डैम है जनाब। ज़रा मैं ये मुड़ लूँ,
24,300 एकड़ पर मुहित ये डैम 857,000 एकड़ फुट पानी ज़खीरा कर सकता है। पहले इसका थोड़ा सा ज़खीरा करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम थी, कोई 6.5 लाख एकड़ फुट, और अब इसको बढ़ा के 857,000 एकड़ फुट इसमें पानी का ज़खीरा हो सकता है। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है। ये कराची को पानी की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया है। डैम के इर्द गिर्द के इलाके को वाइल्ड लाइफ का दर्जा दे दिया गया था बहुत पहले ही, आई थिंक 1974 या 71 में हुकूमत सिंध ने इसके इर्द गिर्द के पूरे इलाके को वाइल्ड लाइफ का, जहाँ के बेशुमार जानवर शानवर इसमें होते हैं, तो एक दर्जा दे के इसको जंगलात का पूरा दर्जा दे देते हैं। वो उनके अपने तरीक़ेकार होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और ये एरिया जनाब, ये एरिया परिंदों की हिजरत करके आने का एक सबसे बड़ा और बेहतरीन ठिकाना है। टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ लोग कराची से पिकनिक मनाने, स्विमिंग करने और फिशिंग करने के लिए आते हैं। तो ये थी थोड़ी सी हब डैम के बारे में डिटेल्स। आइए आगे चलते हैं और ज़रा नहर को चल के देखते हैं। अगर उसमें पानी कम हुआ तो डुबकी लगा लेंगे, ज़्यादा हुआ तो वापस आ जाएंगे। ये देखिए कुछ यहाँ से पानी शानी नीचे से निकालते हैं, ऊपर से पाइप हैं, तो ये सारा हब डैम का एरिया। ये नहर निकली हुई जनाब, ये एक नहर आ रही है। हाँ, इसके ऊपर इन्होंने जनाब वो कांटे शांटे रख देते हैं, लोग यहाँ आके नहाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक जगह है। ब्यूटीफुल। ये हमारे बलोच भाई हैं जनाब, बेहतरीन किस्म की डाइव मारी हैं अब डैम से जो निकलती हुई नहर है उस पर। ऊँट आ रहे हैं पूरे, ज़बरदस्त सीन है। एक सीन ज़रा उस तरफ से जाके लेते हैं, ऊँटों को पकड़ते हैं। ऊँटों का काफला, ऊँटों का काफला गुजर गया जनाब, यहाँ किसी गांव में जा रहे हैं। ये नहर है, सरवर भाई जम मारें जरा खूबसूरत किस्म की। ये बेहतरीन हो गया है। आ जाओ जवान, आ जाओ। ये देखें जनाब, आम नाम बाबू भाई ने जम मारी है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर जाने की जगह भाई, चले बाइकें आ रही हैं। हाँ चलिए जनाब, इस तरफ मुड़ गए हैं, हब डैम के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर गाड़ी जाने की इजाज़त हुई तो लोग आ जा रहे हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है।
डैम का खूबसूरत। चलिए आगे एंड तक चलते हैं, बलूचिस्तान का बॉर्डर ही लग जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने जो गूगल मैप पे देखा था ये थोड़ा सा सिंध के अंदर है, आधा सिंध के अंदर है आधा बलूचिस्तान में। अब डैम आई डोंट नो, लेकिन पानी का जो ज़रिया है वो ज़्यादातर बलूचिस्तान और उन पहाड़ी इलाकों से इधर पानी आके जमा होता है, मुख्तलिफ नदी नालों से होता होगा। तो आगे चलते हैं और आगे से टन लेके आते हैं और देखते हैं वहाँ कुछ अगर व्यू मिल जाए तो वो भी ले लेते हैं जनाब। तो बिल्कुल एंड पे आ गए, एंड पे आ गए, वो सामने कुछ लोग नजर आ रहे हैं मछली पकड़ते हैं, देखते हैं जनाब उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी चढ़ाई आ गई है, अगर यहाँ से वो रास्ता होगा तो चले जाते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से एंड करके वापस ही निकलते हैं जनाब। वीडियो तो जनाब ये वापटा का कोई है सेटअप, इधर नहीं जा सकते, ठीक है भाई नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, मना है तो मना है। तो जनाब चलिए वापस चलते हैं, ये हब डैम हमने बिल्कुल आखिरी सिरा छू लिया इसका। तो हब डैम की हमारी पार्ट वन की वीडियो कंप्लीट हुई, दूसरी वीडियो में आपको हब डैम के अलग जो जंगली हयात और वहाँ पर लोग मछली पकड़ने आते हैं वो सारा शिकार दिखाएँगे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए हैं और हम यहाँ से इस रोड से आए थे और इधर से लगे थे, तो ये हब डैम रोड है। अब आपको वापस मैंने कहा था कि इससे लेके चलेंगे, तो चलिए इस रोड को, इस रोड पे आपको लेके चलते हैं। बदतमी, तो हब डैम रोड पे, रोड से हम वापस आ रहे हैं, पहले हम दूसरी साइड से आए थे। इस रोड को ज़रा मुख्तसर करके आपको दिखाएँगे। ये रोड उस वाली रोड से बहुत बेहतर है, तो मशवरा मेरा ये है कि आप इसी रोड से आए, अब डैम आप इसी रोड से आए ट्रक से बच के। अब डैम की तरफ लोग जा रहे हैं जनाब मछलियाँ पकड़ने और हम वापस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस रोड की तारीफ़ कर रहा था और जब भी मैं किसी रोड की तारीफ़ करता हूँ वो आगे चल के कहीं ना कहीं से जाना खस्ता हाली का शिकार नज़र मिलती है, मुझे नज़र आती है। तो ये रोड भी जो है वो थोड़ा सा इसका भी ये देख रहे हैं आप मज़े आ रहे हैं, हमें वही कश्ती का सा थोड़ा सा असर मिल रहा है। तो भाई यार वो रोड तो चले ना बनाए, वो तो गाँव से इधर तो घूम के आती है। हब डैम वाली रोड तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको बना देनी चाहिए ये वाली, बहुत लोग यहाँ से मैंने जाते हुए देखे हैं मछली का शिकार करने के लिए अभी, और मैं आ रहा हूँ वापस, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है। तो ये बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है, तो भाई थोड़ा सा ख्याल कर लें यार, बड़ी मेहरबानी होगी। काफ़ी लंबा पैच था जो कि ख़राब था, आगे फिर रोड कुछ बेहतर है। अबे किधर आ रहा है भाई तू, थल्ले होना मेरे। पहुँच गए जी नदरन बाईपास पे। तो ये था हमारा हब डैम का एक विज़िट और हम वापस आ गए हैं, गए दूसरे रास्ते से थे, आए हैं हब डैम रोड पे। ये सामने नादरन बाईपास है, हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे और सीधा सुपर हाईवे की तरफ चल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब नादरन बाईपास पे चढ़ते हुए इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम।